और अब आपको हम माननीयों का दर्द बताने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, माननीय। झारखंड के माननीयों को भी दर्द है, उनकी भी अपनी पीड़ा है। आप सोच रहे होंगे भला माननीयों को क्या दर्द हो सकता है, क्योंकि हमारे जो दर्द होते हैं उसको तो सदन में ये माननीय उठाते हैं, लेकिन न्यूज़ 11 भारत के कैमरे के सामने कुछ माननीयों का दर्द आ ही गया। हमने समझने की कोशिश की कि आखिर माननीयों का दर्द है क्या, क्या हो सकता है उनका दर्द, और जो समझ में आया वो हम इस रिपोर्ट में आपको बता रहे हैं। दिखाइए ये रिपोर्ट। विधायक जी का दर्द, सत्र के अंतिम दिन सामने आई परेशानी, सदन का आखिरी दिन था पर सवालों के जवाब नहीं मिले। बात के समय में कल छोड़ करके बीच में माने जो भी जनता के सवाल थे उस पर सदन में कार्रवाई हुई है, वाद विवाद हुआ है, लेकिन शुरुआत के दिनों में विपक्ष के द्वारा जिस तरह की भूमिकाएं रही है, जनता के प्रति जो जवाबदेह होना चाहिए इस राज्य के प्रति, वो स्थिति नहीं था। सिर्फ वो लोग हंगामा करते रहे, इस कारण से बहुत सारे चीज़ें ऐसा है राजहित में। क्षेत्र की समस्या जो महत्वपूर्ण समस्या था, जो समस्या हम लोग चुनाव में वादा करके आए थे, उस सारे समस्या को हम लोग वित्तीय साल बजट में और इस साल की बजट में हम लोग उसको रखने के लिए काम किए हैं। ज़्यादा तो हम अपने विभाग से बात करके की करवाए हैं, और विधानसभा में बहुत ज़्यादा हम बात नहीं रखे हैं, रखे ही नहीं एक तरह से देखा जाए तो। एक तो हम लोग के जिले में DMT फंड होता है, उससे भी हम लोग काम करवाते हैं, और सबसे ज़्यादा हमको लगता है मेरे विधानसभा में PhD हमको मिला है। ये वो विधायक है जिनके सवालों के जवाब अनुत्तरित रह गए, और जब जवाब मिला नहीं तो दर्द सामने आ गया। इनमें से कुछ ने तो अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए सदन नहीं बल्कि अफसरों का सहारा लिया। अब चूंकि सवाल के जवाब मिले नहीं तो फिर बात आई कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सुन लीजिए ये भी। जनता के जो भी समस्याएं थी उसको हम लोग हाउस के माध्यम से लाने का काम किए हैं। अब यह सरकार के ऊपर है कि जनता का जो समस्या है उस पर कैसे खरा उतरती है, लेकिन सरकार को हमने पूरे माननीय सदस्यों ने पूरे राज्य का पूरे क्षेत्र का समस्या से उनको अवगत कराने का काम किया है। अब सरकार को भी यह चाहिए कि चूंकि एक वर्ष कोविड में ही चला गया, अब विकास का कार्य शुरू होना चाहिए और युद्ध स्तर पर शुरू होना चाहिए। सरकार को और सदन को उन ज्वलंत समस्या का निदान के प्रति आग्रह भी किए हैं, मांग भी किए हैं। निश्चित रूप से ये वर्तमान सरकार और ये सदन अपने क्षेत्र के जो ज्वलंत समस्या है उसका निदान के प्रति गंभीर होते हुए, सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उन समस्याओं का जनहित में काम करके निपटारा करने का काम। मौजूदा विधानसभा का बजट सत्र यानी उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। मौजूदा विधानसभा में कई ऐसे विधायक हैं जिनका सवाल ही सदन में नहीं आ पाया। ऐसे विधायक अब अगले विधानसभा के सत्र के इंतजार में जुट गए हैं। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची।